सावन, जिसके आते ही वर्षा की बौछारें, हरियाली, फूल, प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोहित कर देते हैं। यह श्रावण मास भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिव पुराण में यह वर्णित है कि जो मनुष्य आलस्य त्याग कर इस श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक करता है, वह सहज ही भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर लेता है। मैं ज्योति गोयनका आप सभी दर्शकों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे सरल उपाय, जिन्हें यथाविधि करने से आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए महादेव का नाम लेकर आरंभ करते हैं। उपाय नंबर एक, सावन मास में प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर पंचामृत से उनका अभिषेक करें। पंचामृत पांच तत्वों दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से बनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य प्रतिदिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करता है, वह मनुष्य शरीर त्यागने के पश्चात कैलाश पर्वत पर महादेव शिव के साथ एक कल्प तक निवास करता है। नंबर दो, भगवान शिव पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य के तीन जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा यदि आप प्रतिदिन 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमो शिवाय लिखकर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, तो केवल इस एक उपाय से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नंबर तीन, भगवान शिव रुद्रा के नाम से जाने जाते हैं, आते उनका अभिषेक रुद्रा अभिषेक कहलाता है। सावन में किसी एक दिन भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक करवाएं। ऐसी मान्यता है कि रुद्रा अभिषेक करवाने से भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होती ही है, बल्कि मनुष्य की जन्म कुंडली में विराजमान कई अनिष्ट ग्रहों की शांति भी हो जाती है। नंबर चार, सावन मास में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव का व्रत करें। ऐसी मान्यता है कि श्रावण में सोमवार का व्रत रखने से वर्ष के सभी सोमवार के व्रतों का फल प्राप्त होता है। नंबर पाँच, घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए सावन मास में प्रतिदिन आप अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करें तथा गुगल धूप जलाएं। नंबर छह, भगवान शिव के पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण का पठन अथवा श्रवण करें। शिव पुराण के पठन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का शमन होता है। नंबर सात, श्रावण मास में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से अधिक जाप करें। इस मंत्र के आदि में ओम लगा देने से यह मंत्र षड अक्षर हो जाता है। शिव पुराण में यह वर्णित है कि संसार बंधन में बंधे हुए मनुष्यों के हित की कामना से ही स्वयं भगवान शिव ने इस मंत्र का प्रतिपादन किया था। इस मंत्र के जप से मनुष्य परमात्मा शिव में मिलकर शिव स्वरूप हो जाता है। मैंने अपनी एक वीडियो में ओम नमो शिवाय मंत्र का गायन किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस मंत्र को आप प्रतिदिन श्रवण करें। इसके श्रवण मात्र से ही आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगेगी। नंबर आठ, श्रावण मास में भगवान शिव पर अक्षत अर्थात चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। काले तिल चढ़ाने से शनि ग्रह की शांति होती है। जौ चढ़ाने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गन्ने का रस अर्पित करने से कई प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। नंबर नौ, सावन मास में प्रतिदिन भगवान शिव की सवारी नंदी अर्थात बैल को हरा चारा खिलाने से घर में राजा जैसा ऐश्वर्य आता है। नंबर दस,
श्रावण मास में प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराएं। ऐसा करने से आपके घर में अन्न की कमी कभी नहीं होगी और साथ ही पुत्र दोष में भी शांति प्राप्त होगी। नंबर 11, सावन मास में किसी भी सोमवार को जल में दूध तथा काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 5 माला अवश्य करें तथा भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें। यदि रोग गंभीर है तो किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का 1,25,000 जप अवश्य करवाएं। जब समाप्त होने के पश्चात आप हवन करवाएं। ऐसा करने से महादेव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। कई वर्ष पूर्व मेरे पति गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उस समय मैंने एक योग्य पंडित द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का 1,25,000 जप करवाया और भगवान शिव की कृपा से वह स्वस्थ हो गए। जय भोलेनाथ, जय महाशिव। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, ये थे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ सरल उपाय। आप इन उपायों को श्रद्धा और मन में विश्वास लेकर कीजिए। भगवान शिव आपको कृपा अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जहाँ सच्ची आस्था है वही रास्ता है। जय भोलेनाथ, जय माता दी। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो आप इसे लाइक और दूसरों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा मेरी इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।